पुरानी पेंशन बहाली को लेकर साइकिल संकल्प यात्रा कल देर शाम को अंबाला में प्रवेश कर गई। साइकिल संकल्प यात्रा की अगुवाई कर रहे यूनियन प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल तथा उनके साथियों का फूलमाला के यहां के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान कांग्रेस पार्टी में भी कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए अंबाला में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए साइकिल यात्रा निकाल रहे कर्मचारियों का कहना है कि यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में नांगल चौधरी से चंडीगढ़ के लिए साइकिल संकल्प यात्रा निकाली है। वे चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर एनपीएस हटाने तथा ओपीएस लागू करने की मांग करने वाले हैं। बता दें, मांग स्वीकार न होने की स्थिति में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ गांव वाइज आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई है। हमारी ओपीएस संकल्प यात्रा 2 जून को हमने नांगल चौधरी से शुरू की थी और इसका एकमात्र उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना। सभी जिलों से होते हुए आज हम यहाँ अम्बाड़ा में पहुँचे हैं, कल पंचकूला और फिर परसों चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक नियमों को लागू करवाने के लिए की जाती है और पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम उनसे गुहार लगाएंगे, जो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लाठी डंडों का प्रयोग कर हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, झूठे बयानबाजी करके इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उनको आदेश पारित करे कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू की जाए। साइकिल यात्रा के अंबाला प्रवेश करने पर कांग्रेस द्वारा भी यात्रा का स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को फूलों की मालाएं पहनाई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। यहाँ पे पूरी कांग्रेस यहाँ पे इकट्ठी हुई है। आज हम यहाँ पे जो साइकिल यात्रा के जो नांगल चौधरी से चल के पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, पूरा कर्मचारी जो PVBS संघ है यहाँ पे हम उनको समर्थन देने के लिए खड़े हैं। पहले उनका स्वागत करेंगे और पूरी कांग्रेस उनका समर्थन करेगी और 2024 में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने मैनिफेस्टो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और जो उदय भान जी ने जो मैनिफेस्टो निकाला, उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम जहाँ भी हमारी सरकार आएगी हम OPS चालू करेंगे, OPS को लागू करेंगे। तो इसलिए सारी टीम यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़ी है। आज जो जैसे आपको पता होगा कि पूरे हरियाणा में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन को लेके जो उन्होंने यात्रा निकाली है साइकिलों पे, और वो आज अंबाला में आ रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ, तो उनके स्वागत के लिए हम खड़े हैं और उनको ये आश्वासन देने के लिए खड़े हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले हमारे एजेंडा में भी जो हाथ से हाथ जोड़ो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है उसमें भी यही कहा गया है कि OPS की पेंशन जो उनके है वो दोबारा पहले की उस पर लागू कर दी जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।